हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होगी। एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग हम आयनिक रेडियस भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। मीन्स क्या हुआ कि आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लस, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लस और आउटर सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ये एटम है। क्या है? ये एटम है और ये क्या है, इसका न्यूक्लस है। क्या है? न्यूक्लस है। अब ये न्यूक्लस और ये क्या है, इसका आउटर सेल, मतलब ये जो स्फेयर है ये वाला, इसको हम क्या मान रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल या आउटर सेल मान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आउटर सेल है और ये न्यूक्लस है। तो आउटर सेल और न्यूक्लस के बीच की जो ये डिस्टेंस है, कौन सी, जो मैं रंगीन कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, तो एटॉमिक रेडियस है, एक बार देखो आगे और पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस है ना, वो भी क्या होते हैं, कुछ करेक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी एक्सटर्नली कैलकुलेट बिकॉज। अब पहला रूल क्या है, द एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री और द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स इन ए एटम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मींस इसका क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, कोई एटम है। क्या है? ये कोई एटम है। इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से आउटर सेल, ये क्या है, आउटर सेल को शो कर रहा है। ठीक है ना? इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस। बट इसमें क्या कहा है कि हमारे पास कोई भी एटम है, ये एटम है ना, इसके अंदर जो बाउंड्री है, बाउंड्री कौन सी, मतलब जो आउटर सेल है ना वो वाली बाउंड्री, तो ये आउटर सेल या आउटर सेल की जो डिस्टेंस है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। मींस क्या हुआ कि न्यूक्लस और आउटर सेल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी तो इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है। वो किस पर डिपेंड करती है? वेरियस प्रकार के फैक्टर अफेक्टिंग करेक्टर्स पर। ठीक है ना? ये फैक्टर अफेक्टिंग पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इन पर क्या होती है, डिपेंड करते हैं। इनका मान इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मान भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? इस डिस्टेंस का तो क्या है। और दूसरी बात ये बोला है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स इन एटम, कि मींस क्या हुआ कि जैसे आउटर सेल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? टू इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं यहाँ पे टू ही हो, यहाँ पे वन भी हो सकता है, शून्य भी, जीरो भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का भी फिक्स पोजीशन नहीं होते। मींस क्या हुआ, जैसे ये तो पहले तो क्या था, ये आउटर सेल है। क्या है? ये आउटर सेल है। और ये मान लो पहले ये के है और ये एल है, ये क्या है, के और ये क्या है, एल, है ना? ठीक है। अब पहले मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें था, दोबारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मान लो इंटरनल सेल में चला गया। किसमें चला गया? इंटरनल सेल में। तो इलेक्ट्रॉनों की जो पोजीशन है वो क्या नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई। पहला रूल तो ये था। दूसरा क्या है, एटम इज नॉट इजिली आइसोलेटेड ड्यू टू इट्स हायर रिएक्टिविटी। मतलब ये आसानी से आइसोलेटेड नहीं होता है, क्योंकि ये हायरली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही करैक्टर के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडिएशन का जो मेजरमेंट है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, मान लो कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, या कोवलेंट बॉन्ड कोई भी एटम है, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी हम क्या बता सकते हैं, एटॉमिक रेडिएशन का मान बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडिएशन कितनी हो। देखो तो यहां पे मैंने लिखा है कि देखो, कोवलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस एन ऑफ एन एटम इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू लाइक बॉन्ड एटम बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्या था, एटम था, दूसरा भी क्या है, ए एटम है। ठीक है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, यहाँ पे ए को मान लो ये वाला है, ठीक है, ये एटम है, दूसरा ए मान लो ये एटम है। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है,
बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड कहाँ से बना, ये इस एक का न्यूक्लियस, ये दूसरी एक का न्यूक्लियस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिस्टेंस। अच्छा अब इस बॉन्ड डिस्टेंस है इसके अंदर टू का क्या दे दें, डिवाइडेशन दे दें। क्या दे दें, टू का डिवाइडेशन दे दें, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस है इसके अंदर क्या कर दें, टू का डिवाइडेशन दे कर दें। तो जब टू का डिवाइडेशन करेंगे तो जो उसका मेजरमेंट आएगा या जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या कैलकुलेशन किसकी आ जाएगी, किसी भी एक एटम की एटॉमिक रेडियस आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है इसका क्या कर दें, हम हाफ कर दें। देखो यहाँ पे कर रखा है कि ये क्या किया है, हाफ किया है। तो यहाँ से अब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हाफ की, हाफ करने पर जो अब जो हाफ का जो कैलकुलेशन आई वो क्या आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई, और यहाँ तक की डिस्टेंस इसको शो कर रहा है, एक एटम की एटॉमिक रेडिएशन को शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आगे देखो एक बार।